इम्प्रूव करना चाहेंगे, और हम लोग एक्सपीरियंस है नहीं उतने, पर हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इसमें से सब सीखे और उनका उनका एल्बम इतना बड़ा एल्बम बनाए जिससे लोगों को भी पसंद आए और सब लोग हम लोग का काम भी अच्छा लगे। दिल में कहीं तरह का डर ऐसा कुछ? थोड़ा डर तो रहता ही है क्योंकि पहली बार है और हम लोग उतने एक्सपीरियंस भी नहीं है, पर हम लोग हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे। शूट करने का किस तरह का माइंड में इरादा है, सोच है? वो अब तक हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, थोड़े प्लेसेस है, थोड़े डेस्टिनेशन डिसाइड करके रखे हैं, पर कंफर्म नहीं पता, तो हम लोग शायद उसमें वर्कआउट करेंगे थोड़ा। आप क्या कंफर्म बताओ? जैसे इसने कहा एक्सपीरियंस नहीं है, पर एक बात जरूर है कि कॉन्फिडेंस पूरा है, तो कॉन्फिडेंस ये है कि एक बार जब ये बन जाएगा तब हम कॉन्फिडेंस आज और तब बनने तक एक्सपीरियंस भी आ ही जाएगा। और हमने स्टोरी बिल्डअप कर ली है, बस अभी एग्जीक्यूट करने का बाकी है। कॉन्फिडेंस आपका जो आपने अभी कहा कि कॉन्फिडेंस है अंदर, हाँ, लेकिन कितना कॉन्फिडेंस है, आप उसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं? वो तो बनने के बाद ही पता चलेगा, एक बार जब बन जाएगा तब आप देख लेंगे उसे। कितना सपोर्ट है संजय जी का आपको? बड़े पापा का फुल सपोर्ट है मुझे, मैं उन्हें प्यार से बड़े पापा बुलाता हूँ, उनका फुल सपोर्ट है हमें। उन्होंने कहा कि जो जितना भी जो भी मदद चाहिए वो फुल सपोर्ट है, और उनकी वजह से ही हमें ये मौका मिला है, तो इसलिए ही हाँ खुश है। सूफी सॉन्ग है, वो मिक्स है, तो कुछ तो प्लानिंग की होगी आपने भी? हाँ, प्लानिंग पूरी हो गई है, हमने एक स्टोरी बिल्डअप कर ली है जिसमें हम दो कपल, जैसे उन्होंने कहा कि हम दो कपल को उसे कपल को यूज करेंगे, और उस पर ही पूरी स्टोरी है, और आगे का हम आपको बाद में। इस वीडियो फिल्म से पहले आप डायरेक्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले आपने क्या किया है? इससे पहले मैंने 2-3 शॉर्ट फिल्में बनाई हैं जिसमें मुझे डायरेक्टिंग और एडिटिंग का थोड़ा नॉलेज मिला, एक्सपीरियंस मिला, और तब जाके अब उस वजह से कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं एक म्यूजिक एल्बम कर सकूं। और इसके बाद और नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट कुछ तैयारी? नेक्स्ट वो अभी ये ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा, अब तो कुछ फिलहाल सोचा नहीं है, कुछ अच्छा ही होगा ज़रूर। और आपके आदर्श कौन है इस डायरेक्शन लाइन में? संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली की क्या बातें आपको अच्छी लगती है? कि वो जिस तरह से अपनी पिक्चर बनाते हैं, पहली बात तो ये मुझे वो इसलिए आदर्श है क्योंकि वो जिस स्कूल से मैं पढ़ा उसी स्कूल से वो पढ़े हुए हैं, तो पहली बात तो वो मुझे वो करती है, और दूसरी बात ये है कि जिस मैंने उनकी काफ़ी पिक्चरें देखी है, और जिस तरह से जो मैसेज उनके पिक्चरों में होता है वैसा मैसेज मैं अपने काम में करना चाहूँगा। अगर आप संजय लीला भंसाली के इतने बड़े फैन हैं, हाँ, डायरेक्शन में, तो संजय लीला भंसाली की फिल्मों में क्या चीज़ ऐसी होती है जो सारे डायरेक्टरों से अलग हटके होती है? नहीं पता। नहीं, चलो कोई बात नहीं।